सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, सबकी नजरें 23 मई पर टिक गई हैं। 17वीं लोकसभा के लिए मतगणना होगी और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार का परिणाम सबके सामने आएगा। इस बीच देश के सामने आए तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने विपक्षी पार्टियों के खेमे में जहां एक और खलबली मचाई, वहीं ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ साफ नजर आया। यूपीए और तीसरा मोर्चा चुनावी रेस में अब कहां हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईवीएम का मुद्दा भी बीच में बार बार उठा है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने में अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है। विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से की अध्यक्षता में बैठक की है, जिसमें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ये शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, बीजेपी की ओर से आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक डिनर डिप्लोमेसी, एक आपको बता दें कि डिनर रखा है उन्होंने एनडीए के नेताओं के लिए। पीएम मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वो एनडीए के नेताओं को डिनर देंगे, जहां एनडीए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, बातचीत का सिलसिला वहां भी जारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इलेक्शन से पहले एक सियासी हलचल यहाँ देखी जा रही है। इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक कोशिश जो है अपने अपने खेमे को मजबूत करने की दिखाई दे रही है। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। महिपाल सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित राणा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और तरुण भंडारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले महिपाल जी, ये जिस तरह से कोशिश हो रही है, चंद्रबाबू नायडू एक कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि 1996 जैसा कुछ करने की कोशिश है, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी दूर रह गए थे और सब एकजुट हो गए थे, या कैसे भी मोदी को रोकने की कोशिश, ऐसा कुछ अभियान आपको लग रहा है फिलहाल? देखिए, प्रयास तो करते ही हैं। चंद्रबाबू बहुत पुराने पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं जी, सब जानते हैं कि इनकी पॉलिटिकल जो क्राफ्टमैनशिप है उसमें कोई दो राय नहीं किसी को भी। किस प्रकार से इन्होंने स्वयं अपने ही ससुर के नीचे से कुर्सी निकाल ली थी, उस घटनाक्रम को सब भी जानते हैं। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आमंत्रण दिया गया और उन्होंने ओथ लिया था, और 13 दिन की सरकार चली थी, उस समय भी उनके खिलाफ जो घेराबंदी की गई थी, उसके जो पैरोकार कह लीजिए या सबसे प्रमुख जो थे, सूत्रधार थे, वो चंद्रबाबू नायडू थे। तो हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम भी चर्चा, ठीक है वो भी थे जी। लेकिन सारा खेल आंध्रा भवन से चलता था। अच्छा। आंध्रा भवन में ही अधिकांश एमपी रुके हुए थे, किसी को अगर इतिहास की जानकारी पूरी हो तो अधिकांश एमपी यहीं पर रोके गए थे, यहीं पर सारी डिनर डिप्लोमेसी चल रही थी, डिनर डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी। हरकिशन सुरजीत ठीक है, वो एक बहुत गहरे पॉलिटिशियन थे, लेकिन मतलब उसके साथ साथ चंद्रबाबू का अगर सहारा नहीं होता तो शायद वो रोक नहीं पाते अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय पे, और 13 दिन में उनकी सरकार का जो पतन नहीं हो पाता। तो चंद्रबाबू नायडू की आज भी प्रयास, दूसरी चीज़ ये भी कि आज विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सबको इकट्ठा कर सके, चाहे एक दूर की स्टेट है, छोटी स्टेट है आंध्रा, और उसमें और आज उसमें भी इनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही। जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं या जिस जो सर्वे आ रहे हैं उनमें, तो फिर भी वो एक ये इस बारे में उनके मन में है कि मैं एक सेंट्रल फिगर बन के उभरूँ। मैं आप किसी को फिर दोबारा बात दोहरा रहा हूँ, जब चौधरी देवीलाल 1987 में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस समय तक लग नहीं रहा था कि राजीव गांधी, क्योंकि उस पॉपुलरिटी के पीक पर थे, परंतु धीरे धीरे उनका जो उनकी पॉपुलरिटी डाउन होती जा रही थी बोफोर्स कांड के, में चौधरी देवीलाल एक रैलिंग पॉइंट बन गए थे और विपक्ष एकता के सूत्रधार हुए थे, और उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के तो तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ एक ऐसा माहौल खड़ा किया और विपक्षी दलों को इकट्ठा करके राजीव गांधी की सरकार को का पतन हुआ, और वो अगली बार 1989 में
वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, तो हो सकता है कि इनके मन में एक ऐसी ख्वाहिश हो कि मैं भी एक केंद्रीय भूमिका निभाऊं। स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहते रहते तो बहुत साल हो गए, 24-25 साल से कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं, तो अब एक भूमिका, और इसमें इसमें को दो राय नहीं कि अच्छे एक सुलझे पॉलिटिशियन हैं ये, और एक सूत्रधार के तौर पर ये काम कर रहे हैं। परंतु आज की परिस्थितियों में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भले ही ठीक है कि आज की आवश्यकता है कि एक विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि जितनी सरकार मजबूत हो उतनी ही डेमोक्रेसी में विपक्ष की मजबूती की भी आवश्यकता होती है। जो कुछ भी आकलन आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि सरकार तो कुल मिला के बीजेपी बना ही रही है, इसमें कति को दो राय नहीं। ठीक है, तरुण भंडारी जी, ये जो बैठकें लगातार हो रही हैं, क्या ऐसा है कि कांग्रेस उसके केंद्र में है या कांग्रेस बाहर रहकर भी बीजेपी को रोकने के लिए कोई कोशिश कर सकती है? इन बैठकों के मायने क्या निकाले जाए? वरुण जी, ये बैठकें इसलिए हो रही हैं कि आज जो केंद्र में चुनाव है इसमें लगभग ये फाइनल है कि गठबंधन की सरकार बने, और गठबंधन की सरकार बनने से हमें रीजनल पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। जो ये एग्जिट पोल आप आज नेशनल मीडिया दिखा रहा है, हमें इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए। आप दिल्ली के चुनाव देखें, विधानसभा चुनाव में 47 सीट दी जा रही थी बीजेपी को और उनकी मात्र 3 सीट आई। बिहार के चुनाव में भी ऐसा ही हश्रहीन एग्जिट पोल का हुआ था, और अभी क्या था जब ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ है कि एग्जिट पोल में किसी और को जितवाया गया, उन्होंने लड्डू भी बांट दिए, पटाखे भी चलाए, परंतु प्रधानमंत्री की वोट किसी और ने ली। ऑस्ट्रेलिया में कहा चले ठीक है, इंडिया शाइनिंग के बाद जो स्थिति थी तब भी यही दिखाया जा रहा था कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट पुणे आ रही है। कोई भी नहीं कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु उसके विपरीत नतीजे आने के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 2009 में भी आप देखिए तब भी कांग्रेस की जितनी सीटें 205 के करीब कांग्रेस की अकेले सीट आई थी, कोई भी ये बात नहीं कह रहा था कि 205 सीट कांग्रेस की आएगी। तो ये एग्जिट पोल के तो कोई मायने नहीं है, जो इसका मायने थे वो मुझे लगता है कि कल जैसे शेयर मार्केट बढ़ी है उससे कई बड़े उद्योगपतियों को, कई बड़े घरानों को जो इसके पीछे थे, जो नेशनल मीडिया के थ्रू इस एग्जिट पोल के थ्रू शेयर मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहते थे, वो प्रॉफिट लेके अपने घर बैठ गए। ठीक है सर, ये सारा सत्ता है सत्ते का और ये एग्जिट पोल का, ठीक है, लोगों को बरगलाने की बात है। और दूसरा इसका और एक चीज है कि ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों के दिमाग में और पार्टियों के दिमाग में ये रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जो छोटे छोटे एलाइज हैं 2-4, 4-5 सीट वाले उनसे हमारी बातचीत हो सके। अगर इनकी इतनी मेजोरिटी आ रही है तो सीट, तो आज 20 लाख ईवीएम कहाँ है? इलेक्शन कमीशन आरटीआई के थ्रू खुलासा होता है कि 20 लाख ईवीएम गायब है, और गायब नहीं है। अभी मैंने अपने फेसबुक लाइव से चलाया था, झांसी में वो दो गाड़ियों पे पाई गई, फतेहाबाद में आपने ट्रक देखा, आपने भी कवर किया आपके चैनल के माध्यम से, लोगों तक पहुंचा किस ढंग से एक खाली ईवीएम का ट्रक वहां स्ट्रांग रूम में आ जाता है। आप देखिए किस ढंग से गोरख धंधा हो रहा है, यही यूपी और बिहार के हालात है। ठीक है, तो मुझे एक बार जवाब लेके आता हूँ सर आपके पास, एक बार लौटता हूँ आपके पास। अमित राणा, सारी बात आप सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष पूरा लामबंद हो रहा है आपको रोकने के लिए। सर देखिए, विपक्ष जब से ये महाठगबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, तो जब से ये उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इन्होंने पूरा प्रयास किया कि एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष था और एक तरफ मोदी जी थे, लेकिन उसके बावजूद जो मोदी जी ने पिछले 5 साल के जो उनके विकास कार्य रहे, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में जो जनता को समझाने में दिखाने में वो सफल रहे कि जो जो विकास कार्य वो उन्होंने किए वो जनता ने देखे, जनता ने नहीं पूरे देश ने देखे, और वही कारण है कि आज हम चुनावी समर में कूदने के बाद आज जो आपके जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन सभी एग्जिट पोल में हम भारी बहुमत से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ जी एग्जिट पोल हम इतने उत्साहित तो नहीं, हम भी मानते हैं इस चीज को कि एग्जिट पोल में कभी प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर सभी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ मायने तो उसके होंगे, मेरा इसमें ये कहना है। नहीं, वो ईवीएम को लेकर भी बात कर रहे हैं।
अरे ईवीएम को लेकर जिस समय राजस्थान में चुनाव हुए, जिस समय मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तब इनकी सरकार ही, तब तो ईवीएम को लेकर ये कुछ नहीं बोले। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई, तब उस समय कुछ नहीं बोले। आज इनको दिक्कत हो रही है कि ईवीएम में दिक्कत आ रही है, किस चीज के लिए आप बार बार, जिस समय अपना इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया एक हफ्ते के लिए, उन्होंने बोला कि जिस जिस व्यक्ति को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है वो व्यक्ति आए यहाँ पर करके दिखाए, उस समय तो इनको जाग नहीं, तब तो ये सोते रहे, आज इनको ईवीएम हैकिंग की समझ में आ रही है। ये सब इस समय बौखला चुके हैं, ये बड़ी स्पष्ट समझने वाली बात है। जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसके लिए अब ये इस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ऐसा क्या लोगों के बीच में भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसी चीजें फेंके जिससे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें। लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है, वो समझ चुकी है कि जो कांग्रेस के ये हथकंडे हैं, जो विपक्षियों के हथकंडे हैं, वो कांग्रेस, वो देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। ठीक है तरुण जी, जवाब दीजिए, फिर महिपाल जी के पास चलता हूं। जी तरुण जी जवाब दीजिए। नुकसान ही वरुण जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के जुबान से विकास का मुद्दा नहीं आ रही चुनाव में। चलो आज देर सही, काफी देर बाद विकास की इनके मुंह से सुनी तो सही, पूरे चुनाव में विकास की बात ये नहीं कर पाए। और इनके प्रवक्ता कह रहे हमने विकास की बात छेड़ी, बताएं कौन से विकास की बात छेड़ी? हमने तो कई मुद्दों पे आपसे पूछा कि आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा में क्यों है? क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम होने के बावजूद भी महिला सुरक्षा की बात कहाँ है? आज सबसे असुरक्षित देशों के लिए हम भारत का नाम चला गया, और आप स्मार्ट सिटी कहाँ बना पाए? 100 स्मार्ट सिटी छोड़िए, एक भी स्मार्ट सिटी दिखाइए। बुलेट ट्रेन कहाँ है? गंगा कहाँ साफ हुई? आप काला धन 100 दिन में लाने वाले थे, उसके विपरीत 2016 में 50% स्विस बैंक में काला धन और बढ़ गया। आप 100 दिन में कर्ज माफी करने वाले थे किसानों की, वो कहाँ गई? विकास के नाम पे तो आपने वोट नहीं मांगा, आपने हमेशा राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगने का काम किया। पर मैं आपको बताता हूँ, आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करी कि उसके जीतने के बाद हमने ईवीएम पे क्यों नहीं बात करी। मैं अपने मित्र को याद करवाना चाहता हूँ और उनको ज्ञान दुरुस्त करना चाहता हूँ, हमने उसके बाद भी ये बात छेड़ी, चुनाव जीतने के बाद भी हमने ये कहा था, हम चुनाव जीत गए हैं परंतु हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। मैं मानता हूं, आप ये मान लीजिए कि हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन का फर्ज दायित्व ये है कि निष्पक्ष चुनाव इस देश में हो। आज देश पे विश्वास नहीं है, बताइए। आरटीआई के थ्रू मैं ये पूछना चाहता हूं वरुण जी, आरटीआई के थ्रू उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि 20 लाख ईवीएम मशीन। नहीं सर, ये तो चुनाव आयोग ने साफ किया कि ऐसा नहीं है। सुनिए, अरे भैया अगर आप जितने मर्जी आरोप लगाते रहिए, जितने भी झूठे आरोप लगाएंगे उससे सच्चाई बदलने वाली नहीं है। ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए। महिपाल जी, आपको लग रहा है कि इस बार भी ईवीएम बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? देखिए, ईवीएम मुद्दा तब बनता है जब मन माफिक वो रिजल्ट नहीं आते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे जो आकलन हैं या मेरी रिपोर्ट्स हैं या मेरी सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अगर मैं वो नहीं जीत पाता हूं तो मैं कोई इनको तो दोषारोपण करूंगा ही करूंगा। मैं समझता हूं कि ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ईवीएम हैक तो हो सकती है, परंतु जो ईवीएम के पिछले दिनों की जो बातें हैं उसमें कहीं पर भी, जैसे सरकारी, अब कितनी आप ईवीएम हैक करोगे और सरकारी कहीं ना कहीं से लीक हो जाती बातें। हम भी सरकार में रहे हैं, सरकारी अमले में काम किया है, ऐसा कभी नहीं होता कि सारा सरकारी अमला एक पार्टी के हक में हो जाए या खिलाफ हो जाए, उसी में से लोग लीक कर देंगे भाई ये ईवीएम हैक कराई गई हैं या, और जबकि वीवीपैट में तो आ ही रहा था कि किसको आप वोट दे रहे हैं, तो सामने आ ही रहा था आपका 5-5 का मिलान होना भी है, वो 5-5 का मिलान होना भी है। पर मैं इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बात से मैं जो तरुण भंडारी जी के एक बात सहमत हूँ कि इस मुद्दे में ना कहीं विकास था, ना विकास का कोई पड़ोसी था, ना विकास के मोहल्ले से कोई था, वो चीज़ें तो कहीं थी ही नहीं। ना 2014 घोषणा पत्र का जिक्र था, ना 2019 का पता नहीं क्यों घोषणा पत्र बनाया, जरूरत ही क्या थी? एक भी चीज़ घोषणा पत्र से रिलेटेड हो, एक भी सामाजिक मुद्दा हो, एक भी आर्थिक मुद्दा हो, शैक्षणिक मुद्दा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी किसानों के रिलेटेड हो, स्वामीनाथन आयोग पता नहीं कहाँ चला गया, सब भूल गए सारी बातें। एक बात राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक चीज, वो राष्ट्रवाद में हिट कर गया ना, वो एग्जिट पोल तो कह रहा है वो हिट कर गया, वो जो राष्ट्रवाद की जो लहर आई उसमें सर मुद्दे भूल गए लोग। हाँ आज मैं एक दो आदमी से बात कर रहा था, आज वो कह रहे यार इन बातों का जिक्र ही नहीं हुआ, मैं तुमने दो दिन पहले क्यों नहीं की ये बात। ऐसी हवा चली कि जिसमें सब सब कुछ बह गया। ठीक है एग्जिट पोल आ गए हैं और सही गलत जो भी होगा, लेकिन एक तरह से वो दिशा दिखा रहे हैं, दिशा ये दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अभी भी आपको क्या लग रहा है, कोई शंका है अभी? जैसे महिपाल जी कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा नहीं। देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्पष्ट हूँ और इसमें मैं ये मानता हूँ कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की भी जो अपनी हमारी सीट्स हैं हम अच्छी सीटों से जीतेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए दूसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर हम बिठाने वाले हैं। और बाकी जो बात रही कि ये चुनाव जो रहा ये विकास पर नहीं लड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास पर भी लड़ा गया। मान लीजिए अमित जी, मान लीजिए 30-40 सीट पीछे रह जाते हैं, एक सर्वे ने 240 दी है पूरे एनडीए को, 242, अगर 30-35 सीट पीछे रह जाते हैं तो समूचा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, इस तरह का डर है आपके जहन में? बैठकें भी शुरू हो गई हैं? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये हमने शुरू से ही नहीं कभी सोचा कि हम किसी भी हालत में हम 230-240 में रहने वाले हैं। हमने पहले से ही हमारी पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था वो अमित शाह जी ने पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से उन्होंने रूट लेवल पर काम किया, जिस लेवल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पन्ना प्रमुख तक तैयार हुए, जिस लेवल से हमारा सिस्टम पूरा से पूरा, हमने जो मैनेजमेंट हमारी इतनी स्ट्रांग थी हम पहले से ही जानते थे, और ऊपर से जो नरेंद्र मोदी जी की जो विकास कर रहे थे, हम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम इस बार किसी भी हाल में 300 पार जाएंगे ही जाएंगे। और इस चीज के लिए मैं आज भी पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जिस तरुण भंडारी जी, तरुण भंडारी जी ऑर्गेनाइजेशन का काम अमित शाह जी ने और केंद्र में मोदी जी ने संभाला, तरुण भंडारी जी दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, आता हूं अमित आपके पास, कि ठीक है अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एग्जिट पोल पे नहीं जाना चाहिए, ये अफवाह है, मोराल तोड़ने की कोशिश है, तो सब मिलकर बना लेंगे, गैर बीजेपी सरकार बनेगी, एक तो ये बात सामने आ रही है विपक्ष की ओर से, दूसरी ओर ईवीएम की भी बात कर रहे हैं, तो फिर एक ही चीज ठीक हो सकती है ना सर? वरुण जी एक बात क्यों होनी चाहिए, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर हम चुनाव जीते, अगर कोई गड़बड़ी आज पाई जाती है उसके बाद बात नहीं करनी चाहिए? अगर 20-60 ईवीएम मैंने आरटीआई ने उसका जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपके चैनल ने जवाब नहीं दिया, ना मेरी पार्टी ने जवाब दिया, आप पूछिए वो जवाब कहाँ से आया, वो माननीय अदालत में केस है, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया कि हमें 20 लाख ईवीएम का नहीं पता। अगर नहीं पता, ये कोई गाय भैंस तो है नहीं जो छूट के गांव में घुस गई या कहीं घूमने चली गई, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में भी सबसे बड़ा चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है, और सबसे निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है। मैं ये पूछता हूँ अगर किसी ने आरटीआई लगाई तो उनको बताना चाहिए 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है। हमने फतेहाबाद में फूड ट्रक देखा, और मैं आपको अगर दिखाना चाहो तो मैं वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा झांसी में किस ढंग से दो गाड़ियां स्ट्रांग रूम के पास जाती हैं और उनसे पूछा जाता है। आज सफाई आई है सर इलेक्शन कमीशन की, रिजर्व ईवीएम हम लेके आए हैं, रिजर्व ईवीएम क्या होता है बताइए, कौन सा ऐसा रिजर्व ईवीएम? तरुण जी हमारे यहाँ पर एक कहावत है, मरता क्या ना करता जी, आप इस समय उस दौर से गुजर रहे हैं जिस समय इलेक्शन कमीशन ने एक आपके लिए रखा एक हैकाथॉन रखा एक हफ्ते का, उस समय आप में से कोई क्यों नहीं आया वहां पर देखने के लिए, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया वहां पर आकर ये चीजें चेक करने के लिए, आज आप ये चीजें कह रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए वो चीज कर रहा हूँ, इस समय पूरे चुनाव निकल गए तब इन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी, आज जिस समय एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत दिखाना शुरू कर दिया तो इनको ईवीएम शुरू हो गया इनका रोना, मतलब ये कोई लॉजिक थोड़ी बनता है कि आप चित भी हमारा पट भी हमारा, बचपन में ना हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में जिसका बैट होता था ना वो जो होता था वो आउट भी होता था फिर भी कहता था कि नहीं मैं बैटिंग करूंगा, आज बैट किसके पास है, ऐसी पोजीशन बैट किसके पास है आज नहीं।
बैट मैं वही तो करूं, बैट ये लेके खड़े हुए हैं कि भैया बैट हमारा है तो हम ही बैटिंग करेंगे, आउट भी हो जाए तब भी हम ही बैटिंग करेंगे। ये तो कोई नहीं मानेगा बैट कांग्रेस के पास है, ये कोई नहीं मानेगा बैट कांग्रेस के पास है। नहीं देखिए, हार गए तो ईवीएम खराब, और जीत गए तो विपक्षी दल बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कोई लॉजिक ठीक है। तरुण जी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो मैंने पढ़ा, मैं एक बार आपको बता दूं, एक मिनट अमित जी, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में अनयूज्ड रिजर्व ईवीएम होती है, कहीं भी खराब हो जाए तो बदलने के लिए वो स्ट्रांग रूम के बाहर रखी जाती है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। स्ट्रांग रूम में रखे जाने के बाद जो पार्टी का प्रत्याशी होता है, उसका जो प्रतिनिधि होता है, उसके सामने उससे साइन करवाए जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बाद ये अनरिजर्व ईवीएम अलग रखी जाती है। ये सफाई आई है, अब आपको अपनी बात रखिए। सुनिए वरुण, मैं कहा इलेक्शन कमीशन ने, मुझे आपके थ्रू सुनने का मौका मिला, चलो धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई रिजर्व रखी हुई है जब ईवीएम गलत हो तो उसका उसको रिप्लेस करने के लिए, परंतु आज ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा होगी, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ट्रक की गाड़ियों में क्यों जा रही है वो ईवीएम, ये मुझे बताइए। हमें लग रहा है इलेक्शन कमीशन में प्रवक्ता बैठाना चाहिए था कि चुनाव आयोग मौन है। वरुण जी, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से भी वो जवाब आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहता है तो तेरे हैकिंग का, मैं हैकिंग की बात नहीं कर रहा, तो स्वैपिंग की बात हो रही है, मशीन जो गायब हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं बता देता हूँ, जो ये जीत का दावा कर रहे हैं, इनका जीत का दावा खोखला है वरुण जी, ठीक है। 282 सीट पिछली बार मोदी जी की सरकार में बनी, जब इनकी सरकार बनी तो 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को, ईवीएम से आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 80 में से 73 सीट इनको यूपी में मिली, 25 में से 25 राजस्थान में मिली, मध्य प्रदेश में से 29 में से 27 सीट मिली, गुजरात में 26 की 26, दिल्ली में 7 की 7। जी जी, आगे बात रखिए। सुनिए, ये सारी सीटें इन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की इन स्टेटों में, और आज क्या स्थिति है, आज यूपी में अगर जाओगे तो ये 15-20 सीट से ज्यादा नहीं आ रहे। चलो मान लीजिए, हम इनका आंकड़ा मान लेते हैं कि ये 30-35 पे जा रहे हैं, तब भी 40 सीट कम हो रही है, राजस्थान में सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में सीट कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह इनकी सीट कम हो रही है, और ये 300 का आंकड़ा लेके घूम रहे हैं। क्या ये अमेरिका की है, पाकिस्तान की सीट? ठीक है महिपाल जी, क्या अभी ये है कुछ आंकलन जो तरुण भंडारी दे रहे हैं कि भाई ठीक है एंटी इनकम्बेंसी में सीटें कम हुई होंगी, ये प्रो इनकम्बेंसी कहाँ से आ रही है? देखो, दो तीन बातें हैं। एंटी इनकम्बेंसी जैसी भी कोई बात नहीं थी, और बीजेपी का इतना ज़बरदस्त मीडिया मैनेजमेंट रहा है कि औरों की कोई बात पब्लिक तक पहुँच ही नहीं पाई। राष्ट्रवाद ने और मीडिया दोनों ने मिलकर आम बातों को, सामाजिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को, शैक्षणिक मुद्दों को, सबको एक तरफ किनारे कर दिया। परंतु एक मुद्दा जो दरकिनार नहीं हो सका वो था जातिवाद का मुद्दा। भले ही कितनी सफाई दें कि इस इलेक्शन में जातिवाद नहीं चला, आप जब चुनाव आएंगे, ये सिर्फ आकलन है, एग्जिट पोल आकलन होते हैं, आकलन कई दफ़ा ठीक होते हैं, कई दफ़ा ठीक नहीं होते। अब तक का रिकॉर्ड ये कि 58% आकलन गलत निकले हैं, 42% ठीक निकले हैं। यूपी में जैसे आप देख लीजिए, अगर पिछले 2014 के चुनाव के हम तुलना करें तो एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन था, वोट शेयरिंग था, वो बीजेपी से ज़्यादा था। उन स्थितियों में आज कोई एक आध चैनल ऐसा जो 30-31 सीटें दे रहा है बीजेपी को, और एक आध चैनल तो ऐसा है जो पिछले बार 62 से 67 तक दे रहा है, 62 से 67 तक दे रहा है। ये सिर्फ आकलन है, और या यूं कह लीजिए अपने आंकड़ों को खुश करने की भी एक एक, एक, एक नहीं, आपको क्या लग रहा है फिर बीजेपी भरपाई कर रही है उसकी बंगाल से, नहीं, उड़ीसा से? नहीं, बंगाल नहीं, उड़ीसा में तो मैं नहीं मानता कोई ज्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन हाँ बंगाल में जरूर इनको, लेकिन अगर जितना घाटा इनको यूपी में हो रहा है उतना घाटा वेस्ट बंगाल में नहीं बढ़ पा रहे उतने लोग। ठीक है, और ये मैं इस बात से तरुण भंडारी बात से सहमत भी हूँ कि ये राजस्थान में चाहे कितनी घटे, मैं नहीं कहता 20 घटेंगी, मैं नहीं कहता 15 घटेंगी, लेकिन घटेंगी, बीजेपी की घटेंगी, मध्य प्रदेश में भी घटेंगी, छत्तीसगढ़ में भी घटेंगी, झारखंड में भी, हरियाणा की स्थिति जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहनी है, 6-7-8-7 थी पिछली बार, 6 हो जाएंगी, 8 भी हो सकती हैं, इसी बीच 6 के प्लस माइनस 7 के प्लस माइनस 1 हो सकती है।
तो हरियाणा तो उसको वहीं पर रख लीजिए। नहीं तो फिर एनडीए की सरकार बन रही है अगर बीजेपी की नहीं बन रही तो अपने दम पे। आज से एक हफ्ता पहले कि आप एक इन्हीं के बहुत बड़े नेता हैं नितिन गडकरी, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए कि एनडीए सरकार बनाएगी। आप जरा किसी अगर ध्यान उनके स्टेटमेंट इसको जरा ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखने वाले शब्द हैं कि अगली सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। ये ठीक है कि मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी सरकार बने, कहा मोदी सरकार बनाएंगे। ये मोदी सरकार आ रही है, ये भाजपा सरकार नहीं आ रही। मोदी जी के किसी स्टेट में भी किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं आया कि अब की बार भाजपा सरकार का नारा उन्होंने कहीं लगवाया, अब की बार मोदी सरकार ये नारा लगवाया। लेकिन गडकरी जी ने जो कहा अपने स्टेटमेंट में कि अब की बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैं नहीं मानता कि बीजेपी ले जाएगी, लेकिन हाँ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन होगा मेजोरिटी के आसपास, आगे पीछे थोड़ा बहुत कम नीचे होगा और दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है अमित राणा, आपने सुनी सब सारी बातें, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर आपके सामने रख दिया गया है? भाई आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम होंगी तो 300 कहाँ से आ रही हैं? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सीटें कहीं से कम हो रही हैं। ये एग्जिट पोल में भी अगर आपने देखा हो, और हम मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो मोदी जी के विकास कार्य और जो हमारी फोर्स जो पन्ना प्रमुख तक हमारे बने हुए हैं हम उनके सिर पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी जो फोर्स है ये पूरी नीचे लेवल तक हमारी बनी हुई थी, और जिसके कारण हम भले वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, हम कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट ले लें, आप बंगाल ले लें, उड़ीसा ले लें, मतलब जहाँ पे भी है इस बार हम पहले से ज़्यादा सीटें वहाँ पर हम जहाँ तक अपना जैसे हिमाचल है हमारी वहाँ पे 4 सीटें थी, इस बार हम फिर से वहाँ पे 4 लेके जा रहे हैं। और लेकिन नॉर्थ के साथ साथ इस बार हम नॉर्थ ईस्ट साउथ हम हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं पहले से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसके दम पर हम अपना दम भरते हैं कि हम 300 पार जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, और ये दम जो भर रहे हैं ये मोदी जी के काम और जो ऑर्गेनाइजेशन जो रूट लेवल पे हमारी ये काम कर रही है। आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी? वरुण जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। सुन तो लीजिए, 4 की 4 आपने लगा दी हिमाचल की जी, 5 की 5 उत्तराखंड की, 7 की 7 दिल्ली की, हाँ जी, 73 की 73 यूपी की, फिर भी 300 कहाँ बन रही है? तब भी 282 थी आपकी। आप वो कह रहे ना बंगाल उड़ीसा में हमारी बढ़ जाएगी। अरे अरे भाई, या तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं या आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैंने जो, अरे भाई आप बात सुनेंगे तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। मैंने पूरी कहानी आपको। ठीक है, एक एक करके पहले तरुण भंडारी जी, पहले इनका ज्ञान सुन लीजिए। नहीं ये लगता है कि 4 में 5 हिमाचल में लेंगे, 5 में से 7 उत्तराखंड में लेंगे और 80 में से 90। अरे 4 से 5 थोड़ी कहा भाई मैंने। ठीक है, इनके हालात ये लग रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ, आज यूपी में जो इनकी स्थिति है मैं बता रहा हूँ, 50 सीट ये वहां कम हो गई, बिहार में ये 10-15 सीट ये कम हो रहे हैं, राजस्थान में अगर 10 सीट भी कम हो तब भी, हर स्टेट में इनकी 2-4-5 सीट भी कम हो तब भी 100 सीट के लगभग ये कम हो रहे हैं, तो ये कहाँ से 300 का आंकड़ा? ये तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और वैसे भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं लोगों के सामने, ताकि छोटे दलों के बीच में इनसे बातचीत शुरू कर ले। ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने 5 साल झूठ के दम पे सरकार चलाई, झूठा प्रचार किया, आज भी ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ फैक्ट और फिगर बताइए, कैसे आप जस्टिफाई करोगे 300 सीटों को? मैं बता रहा हूँ हर जगह आपकी सीट कम हो रही है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो आपकी 300 सीट आ रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आपकी सीट बढ़ भी जाए तो 2-4-5-7-10 सीट बढ़ जाएंगी। अगर मैं आपकी बात उड़ीसा की भी मान लू, 5-7 सीट बढ़ जाएंगी। आप यूपी का तो आप जो आप खामी आ जाए 2-3-4-5 स्टेट 10 स्टेट में भी भर सकते, बाकी स्टेटों की बात छोड़ दीजिए। आप 300 का जो आंकड़ा झूठा दे रहे हो ये भ्रामक है, और 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्थिति में हो, जिस ढंग से आपका इंडिया शाइनिंग का नारा गुब्बारा फूला हुआ फटा हुआ था, आज इसी ढंग से आज मोदी जी का गुब्बारा भी फटेगा। महिपाल जी, ये जो हम तमाम कोशिश अभी देख रहे हैं कि ठीक है, एक चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी विपक्षी दलों से बातचीत की जा रही है, कमलनाथ को लगाया गया है कि वो बीजेडी बीजू जनता दल के नेता जो हैं उनसे बात करें, इसके अलावा शरद पवार को लगाया गया है कि वो जगनमोहन रेड्डी से बात करें,
बीजेपी की ओर से भी आपको कोई कोशिश लग रही है, बातचीत वहाँ भी जारी है अभी से? देखिए बीजेपी जहाँ तक मैं समझता हूँ और कॉन्फिडेंस से भरपूर है, और रेखी कसर जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने पूरी कर दी है, उनको ये महसूस करते कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे नवीन पटनायक हैं, उन्होंने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट को वाच करेगा हम उसके साथ हैं। ये तय होगा कि 23 तारीख को इंटरेस्ट को वाच कौन करेगा। अगर ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाती है, चाहे भले बीजेपी की है या एनडीए की है, तो इंटरेस्ट को वाच कौन करेगा? एब्सोल्यूटली बीजेपी ही करेगी ऑब्वियसली। तो बीजेपी करेगी तो उसके साथ चले जाएंगे। और वैसे भी बीजू पटनायक का जो अब तक का जो चरित्र रहा है वो कभी टकराव का नहीं रहा। वो केंद्र से किसी सरकार से भी, वो जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी कोई टकराव नहीं रहा उसका, और जब ये बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट आई तब भी कोई टकराव नहीं रहा। वो एक मध्यमार्गी व्यक्तित्व है और वो सदा इस बात का ध्यान रखता है कि मैं केंद्र से नहीं टकराऊं, और इसीलिए वो सर्वाइव भी कर रहा है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उड़ीसा के अधिकांश प्रोजेक्ट भी सेंटर में थ्रू हो जाते हैं, किसी बात पर टकराव नहीं होता। नहीं, लेकिन तो एक 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 वो एक एक चीज़ ऐसी है आवश्यकता पड़ने पर, जैसे एक तरफ का एक्का होता है उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो ये बीजू पटनायक जो हैं, सॉरी नवीन पटनायक जो हैं, ये उस तरह के रखेंगे, रिजर्व का की तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे। कोई ऐसे कोई दिक्कत इनको नहीं, समय ये जो जगनमोहन रेड्डी हैं, केसीआर हैं और नवीन पटनायक, ये देखिए गठबंधन की आवश्यकता तब पड़ेगी ना जब एनडीए के पास बहुमत नहीं होगा। आज तक की परिस्थितियां, मैं ये बात से सहमत हूँ कि ये जो एग्जिट पोल है आकलन है और इनमें बहुत सारी कमियां बेसियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आज दिशा तो दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी और एनडीए अभी भी सबसे बड़ा गठबंधन के तौर पर उभर के आएंगे। राष्ट्रपति के सामने विकल्प भी होंगे, तो कई तरह विकल्प होते हैं, या तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी एक पार्टी की हो, या एक गठबंधन की हो, या प्री पोल अलायंस हो, या सब कुछ भी ना हो तो सबसे बड़ी पार्टी हो। तो यहाँ राष्ट्रपति का रोल बड़ा अहम हो जाता है। और फिर इनमें भी आज तो एक बात आप नोट कर रहे होंगे, अखिलेश यादव और मायावती तो इन जो सबसे बड़े इसमें वो है स्टेक होल्डर हैं, वो तो अभी तक इनसे बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, बात तो जगनमोहन रेड्डी ने भी बात तो नहीं की है। नहीं, जगनमोहन रेड्डी तो लेकिन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन आज के दिन, अगर आप जिसके ऊपर हम खेल कर रहे हैं इस समय बातों का, वो ये है कि बीजेपी कहाँ आ रही है, जो आकलन हम लगा रहे हैं यूपी यूपी के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर दोनों के दोनों, वो केंद्रीय दूसरी पार्टियों से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनके साथ जाएंगे? वो अगर वो जाएंगे भी तो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे जाएंगे। कांग्रेस उनके साथ जा सकती है, कांग्रेस उनके साथ जा सकती है, लेकिन कांग्रेस ये जरूरी थोड़ा है कि अगर कांग्रेस जाएगी तो दूसरे जो दल हैं वो जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं या ममता बनर्जी हैं या केसीआर हैं, ये लोग उनके साथ जाएंगे, ये कोई जरूरी थोड़ा ही है। जी तरुण भंडारी, अभी बहुत कुछ सर आपके पक्ष में चला जाए, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी या नवीन पटनायक या केसीआर, इन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि एक ऐसा धड़ा बन जाएगा जिसमें वो भी साथ आ जाएंगे। ऐसा वरुण जी, अभी पहले चुनाव रिजल्ट आने से पहले कोई भी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, परंतु आप पता है अगर आप मायावती और मुलायम सिंह यादव की बात करो तो हमेशा एंटी बीजेपी रहे हैं, और उन्होंने चुनाव जो लड़ा है उससे पता चलता है कि उन्होंने चुनाव किस मुद्दों पे लड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वह चुनाव लड़ा है। और अगर आप बात करो यहाँ अपना जगनमोहन रेड्डी, वो पुराने कांग्रेसी हैं और उनको भी पता है कि शरद पवार जी बात कर रहे हैं, ये पत्ते सब लोग कब खोलेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे। अभी तो मुझे हड़बड़ाहट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लग रही है, वो जल्दी 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 हमने रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, 300 सीट, 400 सीट, 350 सीट, और जो चैनल उनकी होड़ लगी हुई है, जो उन्होंने फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना था वो कल दे दिया, उसमें लाख करोड़ रुपया लोगों ने कमा लिया जो जो बड़े उद्योगपति कमाना चाहते थे। अब रिजल्ट की बारी है, अब प्रैक्टिकल बात परसों होगी, और जो परसों बात होगी उसके बाद किसका किसके साथ अलायंस होता है, कैसी सरकार बनती है, इस सब चीजों के ऊपर विचार विमर्श होगा। और मैं एक चीज बड़े कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और एनडीए को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये मैं आंकड़े और आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे नहीं कह रहा, मैंने अपने मन की बात नहीं कर रहा, मैं आंकड़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। हर जगह इनके वोट शेयर भी कम हो रहा है, इनकी सीटें भी कम हो रही है, और यूपी में जो अलायंस हुआ है वो और पिछली बार
इनकी जयललिता जी ने भी साथ दिया था, उनकी सीट बड़ी थी। इस बार करुणानिधि जी के बेटे वहां क्लीन स्वीप कर रहे हैं। आप देखिए स्टेटें इनके हाथ से निकलती जा रही है और ये कह रहे हैं हम 300 सीट पे जाएंगे, 500 रिजल्ट आप देखना, इनकी सरकार बनने नहीं जा रही। ठीक है अमित राणा, सरकार नहीं बनने जा रही। एक देखिए मैं इसके ऊपर बस एक ही चीज कहूंगा, बच्चा नाई के पास जाता है, नाई को पूछता है कि कितने बाल काट दिए, तो वो कहता है टेंशन ना ले तेरे आगे ही आगे गिरेंगे। तो सिर्फ दो दिन रह गए हैं, इनको कहिए आप टेंशन ना लीजिए, आपके सामने ही सब कुछ आगे गिरेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस देश में क्या होने वाला है। इस देश में कांग्रेस को नकार चुकी है देश की जनता, और इस समय एक विकल्प के रूप में केवल मात्र एनडीए ही उनके सामने है। और मुझे नहीं पता ये ज्योतिषी हैं शायद कि ये बता रहे कि हर जगह से माइनस हो रही है। अरे भैया कहाँ से माइनस हो रही है, हम तो हर जगह में जहाँ पे हैं, जहाँ पे प्लस में, हर जगह में प्लस में जाने के उसमें हैं। और ये मेरी समझ से परे कि हर जगह में कौन सी ये कहाँ से ये अपने डाटा निकाल के लाए हैं कि यहाँ पे भी माइनस हो रहे हैं, वहाँ पे माइनस हो रहे हैं। अरे भैया देश में विकास कार्य किए हैं तो जाके प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना। हमने भ्रष्टाचार या हमने कोई महंगाई नहीं बढ़ाई थी, भ्रष्टाचार तो दुनिया ने देखा। तो ये चीजें कहना ये छोड़ दें कि हम हर तरफ से, हम हर एंगल से हम प्लस में ही जाने वाले हैं, और ये बात स्पष्ट है 300 प्लस हम आएंगे, ठीक है ना। हमें अपने अपनी पार्टी के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, देश की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है, वो हमें पूर्ण बहुमत से जिताएगी। तो टेंशन ना लीजिए, दो दिन के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होने वाला है। तब तक आप चिल्लाते रहिए ईवीएम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता पिछले कई सालों से ये देख रही है जो आप कह रहे हैं। 5 साल में फर्क पड़ा, नोटबंदी से लोगों को मार दिया तब फर्क नहीं पड़ा, किसान आत्महत्या करते रहे तब फर्क नहीं पड़ा, आप तो व्यापारियों को खत्म कर। अरे आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। नोटबंदी के बाद सबसे पहला चुनाव चंडीगढ़ में हुआ था, 26 में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इसलिए नोटबंदी के बारे में हमें तो बताइए मत, क्योंकि सबसे पहला चुनाव उस समय चंडीगढ़ में हुआ था नोटबंदी के बाद का, ठीक है ना। तो जनता ने उस समय करारा जवाब दे दिया था आपको कि जनता ने स्वीकार किया था हर चीज को। आप हमें मत बताइए, हम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है ना जी। और चंडीगढ़ में लोगों ने मैं ये चीज कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात को। नोटबंदी के बाद पूरे देश में अगर पहला चुनाव कहीं हुआ था वो चंडीगढ़ में हुआ था, और 26 में से 22 सीटें हमने जीती थी। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें लेके आए थे हम। तो हमें मत बताइए नोटबंदी का क्या असर हुआ। अगर कोई आदमी मर्डर कर दे, मैं वरुण जी एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आदमी कोई क्राइम कर दे या गलती कर दे और उसके बाद आप तो देश की जनता को झुठलाने में लगे हुए हैं। आप बताइए नोटबंदी से हमारी जीडीपी कम हुई, किसके ऊपर आरोप लगाओगे? कभी आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हो कि ईवीएम इनकी गलत है, कभी आप जनता को ही झूठ बोलना शुरू कर देते हो। उनकी जान चली गई, आपके नरेंद्र मोदी रो रो के कहते थे कि 100 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, आतंकवाद कहाँ समाप्त हुआ, पत्थरबाजी कहाँ समाप्त हुई, इसके ऊपर जवाब दीजिए। चुनाव चंडीगढ़ का, अगर कॉर्पोरेशन का चुनाव आप जीत के तो इसका अरे भैया मैं बार बार आपको, मैं शुरुआत में भी वही चीज कह रहा हूँ कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाषणबाजी ये छोड़ दीजिए। आप अभी तक उन्हीं चीजों में फंसे हुए, अभी तक मुझे लग रहा है आपका चुनावी नशा उतरा नहीं है। टायर पंचर नहीं, उसको हटाने का। देश की जनता दो दिन के बाद आपको जवाब देने वाली है, तब उसके बाद आप फिर से शुरू कर देना कि ईवीएम खराबी। कभी देश के लोकतंत्र के ऊपर कभी उसका सम्मान मत करना। वक्त कम है, कंक्लूसिव रिमार्क महिपाल जी से। देश के लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। ठीक है, एक संक्षेप में कंक्लूसिव रिमार्क। सर नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास महिपाल जी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगते रहते हैं, पार्टियां लगाती रहती हैं। इस चुनाव की तीन चार जो खूबसूरती रही या इस जो सेलिएंट फीचर रहे, नंबर एक ये इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। हाँ। नंबर एक। नंबर दो, विपक्ष प्रधानमंत्री को और पार्टी इन पावर को घेर नहीं पाई, उनकी कमियां को उजागर नहीं कर पाई। नंबर तीन, इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन की भी निष्पक्षता पर सवाल उठे। नंबर चार, जो पहली बार हुआ है कि इस चुनाव में भाषा का जो स्तर था वो बहुत नीचे आया दोनों तरफ से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी पद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए बहुत छोटे छोटे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, और कमी विपक्ष ने भी छोड़ी। तो ये जो चुनाव था ये अजीब और गरीब चुनाव था, बिना मुद्दे का चुनाव था, ना विपक्ष के पास मुद्दा था, ना सत्ता पक्ष के पास मुद्दा था। सत्ता पक्ष 4 साल का अपना कोई काम नहीं बता पाई कि हमने कोई बड़ा काम किया,
केवल मात्र राष्ट्रवाद को लेकर बैठ गए और ठीक है उस देश इसकी हवा में बह गया और मुझे लगता है कि वो बह गया। चलो नतीजे देखते हैं क्या आएंगे, थोड़ा सा इंतजार है और एम एच वन न्यूज पर सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले आपको दिखाएंगे, खासकर हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ के और पूरे देश के भी। बने रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।